Hello students, good morning all of you. How are you all? Today in this video I will continue the chapter Silk Road by Nick Middleton. By Nick Middleton. All right. It is chapter number 8. So far we have completed up to page number 76 according to old book. Now let's begin from page number 77. Page number 76, paragraph number 10 minutes later we stopped at another blockage. Means the narrator faced another blockage of ice. Not good, sir, Satan announced as he jumped out of car again to survey the scene. This time he decided to try and drive around the snow. यहाँ तक complete कर दिया था. Sorry. Now let's begin from page number 77. The slope was steep. जो ढलान था ना वो कैसा था? Steep था and studded with major rocks. और उसके साइड में क्या लगे हुए थे? सटा हुआ था किससे? बड़े बड़े रॉक से. बट सम हाउ सेटन नेगोशिएटेड दैम. लेकिन जैसे तैसे करके बच बचा कर निकल गया सेटन. हिज फोर व्हील ड्राइव व्हीकल लर्चिंग फ्रॉम वन ऑब्स्टेकल टू द नेक्स्ट. यानी एक ऑब्स्टेकल से दूसरी, ऐसे करके सारी ऑब्स्टेकल्स को वो क्या कर गया? पार कर गया अपनी कार से. ऑब्स्टेकल का मतलब होता है बाधा. किसकी वजह से बाधा आ रही थी? मेजर रॉक्स की वजह से बाधा आ रही थी. और जो स्लोप था वो कैसा था? स्टीप था. कैसा था? स्टीप था. In so doing, he cut off one of hairpin bends, regaining the trail further up where the snow had not drifted. यानी उस ट्रेल पर पहुंच गया जहां पर क्या नहीं थी? स्नो नहीं थी. I checked my watch again as we continued to climb in the bright sunshine. जैसे ही हम जो है सनशाइन में धूप निकली हुई थी और हम ड्राइव कर रहे थे तो मैंने मेरी रिस्ट वॉच को चेक किया. वी क्रैप्ट पास्ट 5400 मीटर हाई फ्रॉम द सी लेवल. यानी सी लेवल से कितने थे? 5400 हाई थे. कितने? 5400 मीटर्स. स्पेलिंग ठीक कर लो. एम ई टी आर ई एस है बेटा. टी आर ई एस. यानी कि हम लोग जो 5400 मीटर की ऊंचाई पर थे सी लेवल से. एंड माई हेड बिगेन टू थ्रॉब हॉरिबली. और भयानक तरीके से मेरे सिर में क्या होने लगा? दर्द होने लगा. आई टुक गल्प्स फ्रॉम माई वाटर बॉटल. मैंने जो अपनी बॉटल में से पानी के एक दो घूंट पिए. विच इज़ सपोज टू हेल्प आर रैपिड असेंट. जिसे ऐसा माना जाता है कि अगर आप सीधे चढ़ाई पर चढ़ रहे हो तो ये आपके इस तरह के काम करने में क्या करता है? हेल्प करता है. वी फाइनली रीच द टॉप ऑफ द पास एट 5515 मीटर. यानी फाइनली नरेटर रीच एट द टॉप ऑफ द पास. यानी उस पास के सबसे ऊँचे पोर्शन पर जिसकी ऊँचाई थी 5515 मीटर. कितनी थी? 5515 मीटर की हाइट पर पहुंच गया. यानी उस दर्रे की जो ऊंचाई थी, पास का मतलब दर्रा होता है, 5515 मीटर थी. इट वॉज मार्क्ड बाई अ लार्ज केयर्न ऑफ रॉक्स. यानी इसको मार्क कर रखा था किससे? केयर्न ऑफ रॉक्स यानी बड़ी बड़ी चट्टानों से. अच्छा. फेस्टून्ड विद वाइट सिल्क स्कार्प्स एंड रेड प्रेयर फ्लैग्स. और इस पर लगे हुए थे क्या? सफ़ेद कलर के सिल्क स्कार्प्स के रेड प्रेयर फ्लैग्स लगे हुए थे. यानी झंडे लगे हुए थे. जैसे कि हमने देखा होगा कि खाटू श्याम जब जाते हैं झंडा लेकर के जाते हैं, तो ऐसे ही झंडे वहाँ पर लगे हुए थे. वी ऑल टुक अ टर्न राउंड द केयर्न. और हमने जो है उस केयर्न के चारों तरफ क्या किया? चक्कर लगाया. इन अ क्लॉक वाइज डायरेक्शन एज इज द ट्रेडिशन. यानी ट्रेडिशन और कस्टम ये कहती है कि क्लॉक वाइज हमें किसी पवित्र स्थान की क्या करनी होती है? परिक्रमा करनी होती है. तो ऐसे ही नरेटर ने, सेटन ने जो है उसकी परिक्रमा लगाई. एंड सेटन चेक्ड द क्लॉक. सेटन चेक द टायर्स ऑन हिज व्हील्स. यानी सेटन ने जो अपनी कार के टायर को उस टाइम चेक किया था. ही स्टॉप्ड एट द पेट्रोल टैंक एंड पार्शियली अनस्क्रूड द टॉप. उसने क्या किया कि पेट्रोल के टैंक के पास पहुंचा और थोड़ा सा उसको क्या किया, उसका जो ढक्कन था ना उसको खोला.
विच एमिटेड अ लाउड हिस, जिसमें से हिस की आवाज़ निकली। जैसे आपने देखा ना प्रेशर बन जाता है ना टैंक वगैरह में, तो प्रेशर रिलीज हुआ जैसे उसने खोला तो उसकी आवाज़ आई थी। द लोअर एटमोसफेयर प्रेशर वॉच अलाउिंग द फ्यूल टू एक्सपेंड, यानी द फ्यूल वॉच एक्सपेंडिंग बिकॉज ऑफ द लोअर एटमोसफेयरिक प्रेशर, यानी लोअर एटमोसफेयरिक प्रेशर की वजह से जो टैंक के अंदर जो फ्यूल था वो क्या हो रहा था, वो एक्सपेंड हो रहा था, यानी वो इधर उधर फैल रहा था। अच्छा, इट साउंडेड डेंजरस टू मी, मुझे तो ऐसा लग रहा था यार बड़ी खतरनाक चीज़ है ये। मे बी सर सेटन लाफ्ड बट नो स्मोकिंग, हो सकता है सर खतरनाक बट प्लीज, हंसा और उसने कहा कि बीड़ी मत पीना, यानी कि स्मोक मत करना, सिगरेट वगैरह मत पीना, बिकॉज इट कॉट फायर, इट कुड कैच फायर, क्या पकड़ सकता था, फायर पकड़ सकता था। अच्छा, माई हेड एक सून क्लियर एज वी करियर डाउन द अदर साइड ऑफ द पास, यानी कि एक बार तो क्या हुआ पास के ऊपर चढ़े, यानी इतनी हाइट पर 5515 मीटर की हाइट तक चढ़ गए, फिर जैसे ही दूसरी ओर पास से नीचे उतर रहे थे, यानी उस दर्रे से नीचे उतर रहे थे, सपोज करो कि यहाँ से मान लो नरेटर ने शुरू किया ऐसे ऐसे करके जर्नी, फिर जो धीरे धीरे करके जो उतरता चला आ रहा था, तो जैसे ही वो उतर रहा था तो जो है उसकी जो सिर का दर्द था वो क्या हो गया था, क्लियर हो गया था। इट वॉज 2 o'clock बाई द टाइम वी स्टॉप फॉर लंच, यानी 2 o'clock जब वो रुके थे क्या करने के लिए, लंच के लिए, तो 2 बज चुके थे। वी एट हॉट नूडल्स इनसाइड अ लॉन्ग कैनवस टेंट, यानी एक बड़े से कैनवस का टेंट लगा हुआ था, वहाँ पर नरेटर ने क्या खाए, हॉट नूडल्स खाए। पार्ट ऑफ अ वर्कमैन इरेक्टेड बिसाइड अ ड्राई सॉल्ट लेक, यानी क्या था ये, ऐसा लग रहा था कि मानो कि वर्कमैन का वर्क कैंप हो, काम करने वालों का कोई कैंप हो जिसे बनाया गया था, बिसाइड अ ड्राई सॉल्ट लेक, यानी सूखी सी जो सॉल्ट लेक है ना उसके बगल में किनारे पर बनाया गया था। द प्लेटो इज पोक मार्क्ड विद सॉल्ट फ्लैट्स, यानी उस प्लेटो को किस नाम से जानते थे, सॉल्ट फ्लैट के नाम से जानते थे, एंड ब्रेकिस लेक्स और सॉल्टी लेक्स के नाम से जानते थे। वेस्टिजेस ऑफ द टेथिस ओशन विच बॉर्डर्ड तिब्बत बिफोर द ग्रेट कॉन्टिनेंटल कोलाइजन, यानी ऐसा माना जाता है कि इट वॉच और इट एज कह सकते हैं, इट इज द वेस्टिजेस, वेस्टिजेस होता है रिमेंस, यानी मानो कि किसके अवशेष हैं, टेथिस सागर के अवशेष हैं। विच बॉर्डर जो मिलता था कहाँ से, तिब्बत से, बिफोर द ग्रेट कॉन्टिनेंटल कोलाइजन, यानी ग्रेट कॉन्टिनेंटल कोलाइजन यानी कि अगर बात करते हो कि जो कॉन्टिनेंटल कोलाइजन हुआ था उससे पहले टेथिस सागर जो है आपका तिब्बत तक मिलता था, कहाँ तक फैला हुआ था, तिब्बत तक फैला हुआ था, लेकिन जैसे ग्रेट कॉन्टिनेंटल कोलाइजन हुआ तो आज की कंडीशन ऐसी हो गई है, यानी कि पहले ये महाद्वीप वगैरह नहीं थे। ये खैर अलग बात है, मैं ज्योग्राफी नहीं पढ़ा रहा, ज्योग्राफी पढ़ाता तो आपको सारी चीज़ें समझा देता। खैर अभी आप इतना समझिए कि जैसे ही महाद्वीप का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था ना, कॉन्टिनेंटल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था या कोलाइजन हुआ था, तो उसके बाद में सिचुएशन चेंज हो गई है, लेकिन पहले जो सिचुएशन कुछ और ही थी, आप इतना समझिए सिर्फ। तो ऐसा माना जाता है कि जो ब्रेकिस लेक्स वगैरह हैं, सॉल्ट फ्लैट्स वगैरह, ये किसके वेस्टिजेस हैं, टेथिस सागर के अवशेष हैं, क्योंकि टेथिस सागर इटसेल्फ वॉज अ क्या था, वो भी एक जो है सॉल्टी था, कैसा था, उसका पानी भी सॉल्टी था, तभी तो नमक बनाया जाता है उससे यहाँ पर आज, और इसीलिए इसको उसका अवशेष माना जाता है। दैट लिफ्टेड इट्स क्वाइवर द वन वॉच, दिस वन वॉच अ हाइव ऑफ एक्टिविटी, यानी ये जो जगह थी ना लोगों का काम करने का एक अड्डा बना हुआ था, मैन विद पिक एक्सेस, जहाँ पर लोग देखे जा सकते थे गेंथी के साथ में, पिक एक्सेस होता है गेंथी जिससे लोग क्या करते हैं, खुदाई करते हैं, एंड शोवल्स ट्रजिंग बैक एंड फोर्थ इन देयर लॉन्ग शीपस्किन कोट्स, और उसके पास क्या होते हैं, शोवल्स यानी फावड़े टाइप के होते हैं जो आगे पीछे होते रहते हैं अपने शीपस्किन का कोट पहन करके, क्योंकि वहाँ पर ठंड भी खूब पड़ती है, इसीलिए वो लोग क्या पहनते हैं, शीपस्किन का बना हुआ कोट पहनते हैं, एंड सॉल्ट एंड क्रस्टेड बूट्स, और ऐसे बूट्स पहनते हैं जिससे उनकी स्किन ख़राब ना हो सॉल्ट की वजह से। अच्छा, ऑल ओवर सनग्लासेस, सभी लोग क्या पहनते हैं, सनग्लासेस पहने हुए थे, अगेंस्ट द ग्लेयर एज अ स्टेडी स्ट्रीम ऑफ ब्लू ट्रक्स emerged from the blindingly white lake and laden with piles of salt, यानी कि वहाँ पर लोग सभी जो है चश्मा लगाए हुए थे। अच्छा, चश्मा क्यों लगाए हुए, सनग्लास क्यों लगाए हुए थे, इसीलिए लगाए हुए थे क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में ट्रक्स खड़े हुए थे नमक के लदे हुए, तो जैसे ही सनरेज आती थी ट्रक से टकरा करके वो ब्लू कलर की सनरेज उनकी आँखों पर पड़ती थी, तो उन आँखों पर सनरेज से बचने के लिए वो लोग क्या पहनते थे, सनग्लासेस पहनते थे।
बाय लेट आफ्टरनून वी हैड रीच्ड द स्मॉल टाउन ऑफ हॉर। मैंने बताया था ना एट 2 PM द नरेटर रीच्ड एट द टाउन ऑफ हॉर। कहाँ पहुँच गया? हॉर पर पहुँच गया। तो हॉर के बारे में अब देखना कि हॉर की अप्रिसिएशन पहले सुनी थी और आज की तारीख में अगर देखा जाए तो हॉर किस तरह का है। देखिए, बैक ऑन द मेन ईस्ट वेस्ट हाईवे दैट फॉलोड द ओल्ड ट्रेड रूट फ्रॉम लासा टू कश्मीर। यानी मेन ईस्ट वेस्ट हाईवे पर जहाँ जो कहाँ पर जाता है, जो ओल्ड ट्रेड रूट को फॉलो करता है जो लासा से कश्मीर की ओर जाता है। डैनियल हु वॉज रिटर्निंग लासा फाउंड राइड इन ट्रक। यानी जो कहाँ जा रहा था, लासा के लिए जा रहा था, उसे ट्रक में एक सवारी मिल गई, यानी ट्रक की सवारी मिल गई उसको। सो सेटन एंड आई बेड इम फेयरवेल आउटसाइड अ टायर रिपेयर शॉप। इसीलिए मैंने और सेटन ने उसको फेयरवेल दी, यानी विदाई दी एक टायर रिपेयरिंग की शॉप के बाहर से। वी हैड सफर्ड 2 punctures इन क्विक सक्सेसन। यानी हमारे गाड़ी के टायर में एक के बाद एक यानी 2 puncture हो गए थे ऑन द ड्राइव डाउन फ्रॉम द सॉल्ट लेक। यानी जैसे ही हम सॉल्ट लेक से नीचे की ओर आ रहे थे ना, तभी जो है गाड़ी के टायर में एक के बाद एक यानी 2 puncture हो चुके थे। एंड सेटन वॉज ईगर टू हैव दैम फिक्स्ड सिंस दे लेफ्ट हिम विद नो स्पेयर्स। और सेटन चाहता था कि किसी भी तरीके से पंक्चर को ठीक करवा लिया जाए, क्योंकि अब उनके पास कोई स्टेपनी नहीं बची हुई थी। बिसाइड द सेकेंड टायर ही वुड चेंज्ड हैड बीन रिप्लेस्ड बाई वन दैट वॉज एज स्मूथ एज माई बॉल्ड हेड। यानी उस टायर के अलावा जिसे उसने चेंज किया था, जो इतना स्मूथ था जितना कि नरेटर का चिकना सिर। यानी यहाँ पर अपनी खोपड़ी से कंपेयर कर दिया। बॉल्ड हेड का मतलब होता है टकला सिर। अच्छा, हॉर वॉज अ ग्रिम मिजरेबल प्लेस। समझ लो कैसा है, ग्रिम मिजरेबल प्लेस है, अंडरलाइन कर लेना इसको। अच्छा, देयर वॉज नो वेजिटेशन व्हाटसोएवर जस्ट डस्ट एंड रॉक्स। कोई वेजिटेशन नहीं, व्हाट्सएवर वॉज जस्ट एंड डस्ट एंड रॉक्स लिबरली स्कैटर्ड विद ईयर्स ऑफ अकमलेटेड रिफ्यूज। यानी डस्ट है, रॉक्स है और अकमलेटेड रिफ्यूज वर्षों से जमा हुआ, यानी वर्षों का जमा हुआ कचरा वहाँ पर इकट्ठा हो रखा है। विच वॉज अनफॉर्चुनेट गिवन दैट द टाउन सेट ऑन द शोर ऑफ लेक मानसरोवर। अनफॉर्चुनेटली दिस टाउन ऑफ हॉर सेट ऑन द शोर ऑफ लेक मानसरोवर। यानी दुर्भाग्यवश की दुर्भाग्य की बात यह है कि ये जो टाउन है ना, कहाँ पर बसा हुआ है, पवित्र लेक मानसरोवर के किनारे पर बसा हुआ है। और मानसरोवर का इम्पोर्टेंस तो आप जानते ही हैं, वैदिक कालीन टाइम से ही जो है मानसरोवर लेक फेमस है, क्योंकि हमारी जो 2-3-4 जो ग्रेट रिवर्स हैं ना, उनकी भी ओरिजिन कहाँ से मानी जाती है, मानसरोवर से ही मानी जाती है। तिब्बत मोस्ट वेनरेटेड रिवर, तिब्बत की नहीं है, इंडिया की भी है, कौन सी, लेक मानसरोवर, जिसके किनारे पर क्या बसा हुआ है, हॉर बसा हुआ है। हॉर को कायदे से तो अच्छा प्लेस होना चाहिए, क्योंकि इसका एक रिलीजियस इम्पोर्टेंस है, और जब किसी चीज़ का रिलीजियस इम्पोर्टेंट है तो वहाँ पर साफ़ सफाई होनी चाहिए, लेकिन ऐसा वहाँ पर था नहीं, जिसकी वजह से नैरेटर को जितना सुनने को मिला था हॉर के बारे में, वो जस्ट उसका क्या था, अपोजिट था। इसीलिए वो कह रहा है कि हॉर वॉज अ ग्रिम एंड मेजरेबल प्लेस एवरीवेयर इट वॉज डस्ट एंड क्या थी, रॉक्स थे, ठीक है, नो वेजिटेशन, कोई वेजिटेशन नहीं थी। अच्छा, मोस्ट वेनरेटेड स्ट्रेच ऑफ वाटर, तिब्बत की सबसे ज़्यादा पवित्र माने जाने वाली वाटर बॉडीज़ में से एक है। एंशंट हिंदू एंड बुद्धिस्ट कॉस्मोलॉजी पिन पॉइंट्स, यानी इसे हिंदू और बुद्धिस्ट कॉस्मोलॉजी का पिन पॉइंट माना जाता है। मानसरोवर एज द सोर्स ऑफ 4 great Indian rivers, और उसे क्या माना जाता है, अपनी 4 great Indian river का सोर्स भी माना जाता है। वो कौन कौन सी, देखिए, इंडस, गंगा, सतलज एंड ब्रह्मपुत्र, कौन कौन सी हैं, इंडस, गंगा, सतलुज एंड ब्रह्मपुत्र। कौन कौन सी, इंडस यानी सिंधु नदी, गंगा यानी गंगा नदी, सतलुज यानी सतलुज एंड ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो इन चारों नदियों की ओरिजिन ऐसा माना जाता है कि लेक मानसरोवर से ही होती है। कहाँ से होती है, लेक मानसरोवर से ही होती है। ये ब्रह्मपुत्र है, ए भी लगा लो इसमें, ठीक है, PRAHMAPUTRA। इसमें SATLEJ है, वैसे सतलज की स्पेलिंग LUJ होती है, बट आपकी बुक में LEJ दे रखा है, तो कोई बात नहीं है, आप LEJ कर लीजिए, ठीक है। एक्चुअली ओनली द सतलज फ्लोज फ्रॉम द लेक। दरअसल नरेटर ने तो वहाँ जाकर के देखा, तो नरेटर कह रहा है कि केवल सतलज जो है निकलती है मानसरोवर से,
ठीक है, बाकी जो है इसके बगल से निकलती हैं, कहाँ से निकलती हैं, पास से निकलती हैं। देखिए एक्चुअली ओनली द सतलज फ्लोज फ्रॉम द लेक बट द हेड वाटर्स ऑफ द अदर्स ऑल राइज नियर बाई ऑन द फ्लैंक्स ऑफ माउंट कैलाश। यानी जो दूसरी नदियों का जो हेड वाटर है वो कहाँ से निकलता है, ऑन द फ्लैंक्स ऑफ माउंट कैलाश, यानी माउंट कैलाश पर्वत की दूसरी ओर से निकलता है। वी वर विद इन स्ट्राइकिंग डिस्टेंस, हम जो है दूरी पर थे ऑफ द ग्रेट माउंटेन एंड आई वॉच ईगर टू फॉर्ज अहेड, और मैं बड़ा ही क्यूरियस था कि मैं उसके ऊपर जाऊँ, बट आई हैड टू वेट, लेकिन मुझे क्या करना था, वेट करना था। सेटन टोल्ड मी टू गो एंड ड्रिंक सम टी इन हॉर्स ओनली कैफे, सेटन ने मुझे बता दिया था सिंस आई वॉज सफरिंग फ्रॉम कोल्ड एंड कफ, यानी नरेटर को हेडेक हो रहा था, कोल्ड की भी शिकायत थोड़ी सी हो गई थी, तो सेटन ने उससे कह दिया था कि जाओ तुम कॉफ़ी पी लो और के एकमात्र कैफे में जा कर के। विच लाइक ऑल दी अदर बिल्डिंग्स इन टाउन वॉज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम बैडली पेंटेड कंक्रीट, यानी बड़ी बेकार सी कंक्रीट का बना हुआ था। एंड हैड थ्री ब्रोकन विंडोज, टूटी सी तीन विंडोज थी। द गुड व्यू ऑफ द लेक थ्रू वन ऑफ देम हेल्प टू कंपेंसेट फॉर द ड्रॉट, यानी जो सूखी सूखी जगह थी ना उसकी क्षतिपूर्ति एटलीस्ट उस जगह से हो रही थी, यानी कि मैं एक विंडो के पास खड़ा हो गया था, उस विंडो में मुझे क्या दिखाई दे रही थी, लेक मानसरोवर दिखाई दे रही थी, तो वो थोड़ा सा कंफर्टेबल मुझे लग रहा था। नरेटर इस बात को कहना चाहता है कंपेंसेट फॉर द ड्रॉट का मतलब जो सूखी चारों तरफ डस्ट एंड क्या है रॉक्स के पार्टिकल्स हैं, कंक्रीट है, तो उसका कंपेंसेशन हो रहा था। बट आई देखिए आई वॉज सर्व्ड बाई अ चाइनीज यूथ, जैसे ही कैफे में गया तो नरेटर को सर्व किया गया किसके द्वारा, चाइनीज यूथ के द्वारा, इन मिलिट्री यूनिफॉर्म हु स्प्रेड द ग्रीस अराउंड ऑन माई टेबल विद अ फिल्दी रैग बिफोर ब्रिंगिंग मी अ ग्लास एंड अ थर्मस ऑफ टी, यानी ग्लास और चाय का थर्मस लाने से पहले उसने जो है मेरी टेबल पर लुब्रिकेंट लगाया फटे से कपड़े से, ठीक है, यानी किसने लगाया, एक चाइनीज यूनिफॉर्म में जो बंदा था उसने लगाया था, यानी एक यूथ था जो चाइनीज यूनिफॉर्म में था उसने मेरी टेबल पर आकर के लुब्रिकेंट लगा दिया गंदे से कपड़े से, चाय का ग्लास लाने से पहले और थर्मस लाने से पहले। सी द स्पेलिंग ऑफ थर्मस, इट इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड। अच्छा, हाफ एन आवर लेटर सेटन रिलीव्ड मी फ्रॉम माई सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, सिंस द नरेटर वॉज न्यू इन द टाउन ऑफ और ही वॉज फीलिंग कन्फाइनमेंट, अकेलापन हो रहा था, लेकिन आधे घंटे के बाद में सेटन आ गया और उसके कन्फाइनमेंट से उसे रिलीव कराया। वी ड्रो पास्ट अ लॉट मोर रॉक्स एंड रबिश वेस्ट वार्ड्स आउट ऑफ टाउन टूवर्ड्स माउंट कैलाश, यानी हम माउंट कैलाश की तरफ चल रहे थे, बढ़ते चले जा रहे थे और बहुत सारे रॉक्स थे हमारे रास्ते में और कचरा भी पड़ा हुआ था। हम किस तरफ चल रहे थे, वेस्ट वार्ड यानी पश्चिम की तरफ चल रहे थे। माई एक्सपीरियंस इन हॉर केम एज अ स्टार कंट्रास्ट टू अकाउंट्स आई हैड रेड ऑफ अर्लियर ट्रैवलर्स, यानी मेरा जो एक्सपीरियंस था वो पहले के जो लोगों के अकाउंट्स थे उनके अकाउंट्स से जस्ट अपोजिट था। कैसा था, कम्प्लीटली एंड अटर अपोजिट था। स्टार्क का मतलब कम्प्लीटली, ठीक है, कंट्रास्ट यानी अपोजिट था। फर्स्ट एनकाउंटर्स विद लेक मानसरोवर, यानी उन लोगों के एक्सपीरियंस के जस्ट अपोजिट था जिन्होंने पहली बार जो लेक मानसरोवर के साथ में जिनका जिन्होंने जिनकी मुलाकात सबसे पहले हुई थी, यानी फर्स्ट एनकाउंटर विद लेक मानसरोवर, पहली मुलाकात हुई थी जिनकी किससे, लेक मानसरोवर थे, कौन था वो देखिए, इकाई कावागुची, इकाई कावागुची के ए डब्ल्यू ए जी यू सी एच ए आई, कौन है ये, इकाई कावागुची अ जैपनीज मंक है, कौन है ये, आ जैपनीज मंक, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन का मंक होता है मंक नहीं। तो पहला व्यक्ति जिसने जो है तारीफ की थी मानसरोवर की, दूसरा कौन है देखिए, जैपनीज मंक हु हैड अराइव्ड देयर इन 1900, जो कब आया था जैपनीज मंक, ये आया था आपका 1900 में, ठीक है, एट 1900 वॉज सो मूव्ड बाई द सेंक्टिटी ऑफ द लेक, यानी इतना प्रभावित हुआ था लेक की पवित्रता से, ऑफ द लेक दैट ही बस्ट इन टू टीयर्स, किसके आंसू निकल आए थे। अ कपल ऑफ ईयर्स लेटर, उसके कुछ एक दो साल बाद द हॉलोड वाटर हैड अ सिमिलियर इफेक्ट ऑन स्वेन हेडन, यानी सेम इफेक्ट किसके ऊपर हुआ था मानसरोवर का, स्वेन हेडन के ऊपर हुआ था। स्वेन हेडन देखिए स्वीड, एस वी ई एन एच ई डी आई एन, एस वी ई एन एच ई डी आई एन, ठीक है, ये कौन था देखिए, अ स्वीड हु वॉजेंट प्रोन टू सेंटिमेंटल आउटबर्स्ट, यानी एक स्वीडन का रहने वाला बंदा था जो भावुक नहीं होता था। अच्छा, इट वॉज डार्क बाई द टाइम वी फाइनली लेफ्ट अगेन एंड आफ्टर 10:30 PM
जब हम निकले थे ना वहाँ से तो अंधेरा हो चुका था। एंड आफ्टर 10:30 PM वी ड्रू अप आउटसाइड अ गेस्ट हाउस इन डार्चन, यानी हम जो है कहाँ पहुँच गए, आउटसाइड गेस्ट हाउस इन डार्चन, फॉर वॉट टर्नड आउट टू बी अनदर ट्रबल्ड नाइट, और वो भी मेरी एक कैसी रात रही, ट्रबल्ड नाइट रही। किकिंग अराउंड इट इन द ओपन एयर रबिश डंप, किकिंग अराउंड इधर उधर लात मारता रहा इन द ओपन एयर हवा में, रब्ड डंप दैट पास्ट फॉर द टाउन ऑफ और हेड सेट ऑफ माई कोल्ड वंस मोर, यानी एक बार फिर से मुझे क्या हो गया था, कोल्ड हो गया था, यानी चारों तरफ तो धूल उड़ रही थी। क्या उड़ रही थी, धूल उड़ रही थी। धूल उड़ते ही तो पता है आपको लोगों को, उसको एलर्जी होती है धूल से, तो नरेटर को भी क्या हो गया था, जुकाम लग गया था। दो इफ ट्रुथ बी टोल्ड, अगर सच्चाई बताई जाए ना, इट हैड नेवर क्वाइट डिसअपियर्ड विद माई हर्बल टी, यानी जो हॉर में बैठ करके जो चाय पी थी ना, हर्बल टी पी थी, उससे ठीक हुआ ही नहीं था कोल्ड मेरा। वन ऑफ माई नोस्ट्रल्स वॉज ब्लॉक्ड अगेन एंड एज आई ले डाउन टू स्लीप, यानी मेरे नोस्ट्रल्स में से एक जो ब्लॉक हो चुका था, और जैसे ही मैं लेटता ना सोने के लिए, आई वॉज कन्विस्ट दैट दी अदर वुड प्रोवाइड मी विद सफिशियंट ऑक्सीजन, तो मैं इस बात को लेकर के श्योर नहीं था कि दूसरा वाला जो नोस्ट्रेल है मुझे पर्याप्त ऑक्सीजन जीने के लिए प्रोवाइड कराएगा या नहीं। आपको भी लगता होगा, यानी कि जब भी आपको कोल्ड हो जाता है और आप लेट जाते हैं तो आपके नोस्ट्रल्स क्या हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, यानी नोस्ट्रल्स तब थोड़े खाली होते हैं जब आप खड़े रहते हैं या बैठे रहते हैं, लेटते ही वो भर जाते हैं। अच्छा, माई वॉच टोल्ड मी आई वॉज एट 4760 meters, मेरी वॉच ने मुझे बताया था कि मैं 4760 meters की ऊंचाई पर था। इट वॉजेंट मच हायर देन राबू, यानी राबू में तो कितना था, 5515 meters की हाइट पर था, लेकिन जो है अब राबू से ज़्यादा हाइट पर नहीं था। एंड देयर आई हैड बीन गैस्पिंग फॉर ऑक्सीजन सेवरल टाइम्स, और मैं ना कई बार तो ऑक्सीजन के लिए हाँप रहा था क्योंकि प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं आ पा रही थी। क्यों नहीं आ पा रही थी, क्योंकि उसके नोस्ट्रल्स क्या हो गए थे, ब्लॉक हो गए थे, इसीलिए ऑक्सीजन नहीं आ पा रही थी। सेवरल टाइम्स एवरी नाइट आई हैड ग्रोन अकस्टम्ड टू दीज नॉक्टर्नल डिस्टर्बेंसेस, यानी ये जो नॉक्टर्नल डिस्टर्बेंसेस है ना, मैं उसका अब तो अकस्टम्ड सा हो गया था। नॉक्टर्नल का मतलब होता है रिलेटेड टू नाइट, यानी नाइटली डिस्टर्बेंसेस, रात को होने वाले जो डिस्टर्बेंसेस होते हैं ना, यानी कि जब आप हाई अल्टीट्यूड में चले जाते हैं तो हाई अल्टीट्यूड की वजह से आपको कोल्ड लग जाता है या ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पाती तो आपको प्रॉब्लम होने लगती है। लेकिन यहाँ पर जो है इस तरह के जो रात्रि से संबंधित जो डिस्टर्बेंस हैं उनसे नरेटर क्या हो गया था, हैबिचुअल हो गया था, अकस्टम्ड हो गया था बाय नाउ, बट दे स्टिल स्केयर्ड मी, लेकिन अभी भी मुझे इनसे क्या लगता था, डर लगता था कि कहीं रात को मेरा कोल्ड और ज़्यादा नहीं हो जाए और मैं बीमार ज़्यादा नहीं पड़ जाऊँ। टायर्ड एंड हंग्री आई स्टार्टेड ब्रीदिंग थ्रू माई माउथ आफ्टर अ वाइल, यानी थका हारा मैंने जो है मुंह से सांस लेना शुरू कर दिया था। आफ्टर अ वाइल आई स्विच्ड टू सिंगल नोस्ट्रल, यानी थोड़ी देर बाद मैंने जो है सिंगल नोस्ट्रल के लिए स्विच किया, नोस्ट्रल पावर विच सीम्ड टू बी एडमिटिंग इनफ ऑक्सीजन, जिससे ऐसा लग रहा था कि मुझे पर्याप्त ऑक्सीजन मिल रही है, बट जस्ट एज आई वॉच ड्रिफ्टिंग ऑफ, लेकिन जैसे ही मुझे नींद आ जाती ना, थोड़ी सी नींद आती, आई वोक अप एब्रप्टली, मैं अचानक से उठ जाता, समथिंग वॉज रॉन्ग, यानी कुछ गड़बड़ सा होने लगता। वही बात, क्या नहीं कि छाती भारी से हो जाती थी, नोस्ट्रल्स ब्लॉक हो जाते थे, पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं जाती, जब पर्याप्त ऑक्सीजन है तो घबराहट होने लगती है, अगर घबराहट होगी तो आप सो ही नहीं सकते, मतलब ही नहीं बनता। अच्छा, माई चेस्ट फेल्ट स्ट्रेंजली हैवी, चेस्ट कैसी हो जाती, अजीब तरीके से भारी हो जाती, एंड आई सेट अप, और मैं बैठ जाता, अ मोमेंट दैट क्लियर्ड माई नेचर पैसेजेस ऑलमोस्ट इंस्टेंटली एंड रिलीव्ड, यानी थोड़ा सा अगर मैं उठ करके मूव कर लेता था ना, थोड़ा वॉक कर लेता था, तो उससे मेरे नोस्ट्रल्स यानी नेजल पैसेज जो होता है ना, यहाँ से लेकर के अंदर तक जाता है, वो थोड़ा सा क्लियर हो जाता और मुझे रिलैक्स मिलता इंस्टेंटली, एंड रिलीव्ड द फीलिंग इन माई चेस्ट क्यूरियसली आई थॉट, और ऐसा लगता था कि चेस्ट में भी थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा है, यानी कि लेटते ही प्रॉब्लम ज़्यादा होती थी, खड़े होने पर मूवमेंट करने पर प्रॉब्लम नहीं होती थी। गॉट इट, तो ये चीज़ है। अच्छा, आई ले बैक डाउन, मैं वापस से फिर लेट गया, एंड टायर्ड एंड ट्राइड अगेन, और फिर से सोने की कोशिश की। अच्छा, सेम रिजल्ट वही होता था, यानी कि जैसे ही लेटा उसके नोस्ट्रल्स ब्लॉक हो जाते, चेस्ट हैवी हो जाती और घबराहट होने लग जाती थी। ठीक है, तो बोले सो ही नहीं पा रहा था कुल मिला के। अब ऑन द पॉइंट ऑफ डिसअपियरिंग इन टू द लैंड ऑफ नॉड, यानी ऐसा लग रहा था कि मैं इस लैंड ऑफ नॉड पर क्या हो जाऊँगा, डिसअपियर हो जाऊँगा, व्हेन समथिंग टोल्ड मी नॉट टू डू, लेकिन तभी अचानक से मेरे अंदर से एक आवाज़ आई कि नहीं, ऐसा नहीं,
इट मस्ट हैव बीन दोज इमरजेंसी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस अगेन, हो सकता है कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेशन की वजह से हो, बट दिस वॉज नॉट द सेम एज ऑन प्रीवियस अकेजन्स, लेकिन अब ऐसा नहीं था जैसा प्रीवियस अकेजन्स पर होता था मेरे साथ। दिस टाइम आई वॉजेंट गैस्पिंग फॉर ब्रेथ, इस बार मैं जो है सांस लेने के लिए हाँप नहीं रहा था। आई वॉज सिंपली नॉट अलाउड टू गो टू स्लीप, बस सिंपली प्रॉब्लम ये थी कि मैं सो नहीं पा रहा था। क्या नहीं कर पा रहा था मैं सो नहीं पा रहा था, ये ज़्यादा दिक्कत आ रही थी क्योंकि सोते ही जो है साइनस भर जाती थी। अच्छा, सेटिंग अप वंस मोर इमीडिएटली मेड मी फील बेटर, जैसे बैठ जाता ना तो मुझे फिर से बेटर फील होने लगता था। आई कुड ब्रीथ फ्रीली एंड माई चेस्ट फेल्ट फाइन, मैं जो है फ्रीली जो है बैठ सकता था और मेरी चेस्ट जो है रिलैक्स हो जाती। बट एज सून एज आई ले डाउन, लेकिन जैसे ही मैं लेटता ना माई साइनस फील्ड एंड माई चेस्ट वॉज ऑड, मेरी साइनस भर जाती और मेरी चेस्ट यानी छाती भारी सी हो जाती। आई ट्राइड प्रॉपिंग माई सेल्फ अपराइट अगेंस्ट द वॉल, मैंने कोशिश की थी कि मैं दीवार के सहारे जो है बैठ जाऊँ और रात काट लूँ इस तरीके से। बट नाउ आई कुडंट मैनेज टू रिलैक्स इनअप टू ड्रॉप ऑफ, लेकिन अब इतना रिलैक्स नहीं मिल रहा था कि मुझे हल्की सी झपकी भी आ जाए। आई कुडंट पुट माई फिंगर ऑन द रीजन, यानी मुझे रीजन समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए और क्यों ऐसा। बट आई वॉज अफ्रेड टू गो टू स्लीप, लेकिन मुझे डर लग रहा था सोने से, क्योंकि एक बार सोएगा तो हो सकता है वो कहीं हमेशा के लिए नहीं सो जाए, क्योंकि सोते टाइम चेस्ट ऑड हो जाती थी, हैवी हो जाती थी, नोस्टल्स ब्लॉक हो जाते थे, ऑक्सीजन आ नहीं पाती थी, शरीर में घबराहट होने लगती थी, तो ऐसा लगता था कि मर जाऊँगा। अ लिटिल वॉइस इनसाइड मी वॉज सेइंग दैट इफ आई डिड, एक अंदर से धीमी धीमी सी आवाज़ आ रही थी कि अगर मैंने ऐसा किया आई माइट नेवर वेक अप अगेन, तो मैं शायद ही कभी उठ पाऊँगा जीवन में। सो आई स्टेड अवेक ऑल नाइट, इसीलिए मैंने पूरी रात जो है बैठे बैठे निकाल दी। कैसे निकाल दी? बैठे बैठे निकाल दी। अच्छा, सेटन टुक मी टू द डार्सन मेडिकल कॉलेज द फॉलोइंग मॉर्निंग, अगली सुबह सेटन जो है उसको कहाँ लेकर गया? डार्सन के मेडिकल कॉलेज में लेकर के गया, क्योंकि उसको ट्रीटमेंट करवाना था, जुकाम लगा हुआ था उसका इलाज करवाना था। द मेडिकल कॉलेज ऑफ डार्सन वॉज न्यू एंड लुक्ड लाइक अ मोनेस्ट्री फ्रॉम द आउटसाइड विद अ वेरी सॉलिड डोर, जो डार्सन का मेडिकल कॉलेज था वो नया बना हुआ था और बाहर से अगर देखा जाए तो ऐसा लगता था मानो कि कोई मोनेस्ट्री हो, मोनेस्ट्री कहते हैं मठ जहाँ पर मंक वगैरह रहते हैं। विद अ वेरी सॉलिड डोर दैट लेड इन टू अ लार्ज कोर्टयार्ड, इसमें बहुत बड़ा सा दरवाजा था जो कहाँ ले जाता था? एक बड़े कोर्टयार्ड की तरफ जाता था। वी फाउंड द कंसल्टिंग रूम विच वॉज डार्क एंड कोल्ड एंड ऑक्यूपाइड बाई अ तिब्बतन डॉक्टर, हमें कंसल्टिंग रूम मिल गया जो बहुत कैसा था, कोल्ड था, जिसमें बैठा हुआ था एक तिब्बत का डॉक्टर। हु वोर नन ऑफ द पैराफर्नेलिया दैट आई हैड बीन एक्सपेक्टिंग, यानी जिस चीज़ की मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि डॉक्टर ने जो यूनिफॉर्म पहन रखी होगी, ऐसी कोई भी यूनिफॉर्म वगैरह उसने नहीं पहन रखी थी। उसने तो क्या पहन रखा था? नो वाइट कोट, ना तो उसके पास कोई वाइट कोट था। ही लुक्ड लाइक यानी अदर तिब्बतन, यानी वो किसी दूसरे तिब्बतन जैसा ही लग रहा था। विद अ थिक पुलओवर, एक बड़ा मोटा सा पुलओवर पहना हुआ था, एंड अ वूली हैट, और उनका बना हुआ एक हैट पहना हुआ था। व्हेन आई एक्सप्लेन्ड माई स्लीपलेस सिम्टम्स एंड माई सडन एवर्जन टू लाइंग डाउन, जैसे मैंने अपने सिम्टम्स के बारे में बताया ना कि मैं सो नहीं पा रहा हूँ, मुझे डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं, नॉकटर्नल डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं, और मैंने ये भी बताया कि जब मैं सोता हूँ तो मुझे उससे एवर्जन होने लगता है। ही शॉट मी अ फ्यू क्वेश्चंस, तो उसने मेरे से ना कुछ क्वेश्चंस पूछे। वाइल फीलिंग द वीन्स इन माई रिस्ट, फीलिंग द वीन्स इन माई रिस्ट का मतलब जैसे ही वो मेरी कलाई में नब्ज को फील कर रहा था ना, ऐसे करके देख रहा था ना, तभी उसने मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे। लाइक एनी डॉक्टर आस्क, कोई भी डॉक्टर पूछता है कि बेटा क्या क्या दिक्कत है बताइए, क्या भूख लग रही है, लग रही है, सिर में दर्द तो नहीं है, खांसी तो नहीं है, इस तरह से पूछिए। इट्स अ कोल्ड ही सेड फाइनली थ्रू सेटन, यानी सेटन के थ्रू उसने कहा कि कोल्ड है। अच्छा, सेटन के थ्रू ही क्यों कह रहा है? बिकॉज He did not know English and narrator was not able to understand Tibetan. A cold and the effects of altitude. क्या बताया? Cold बताया और effects of altitude बताया। I'll give you something for it. मैं ना इसके लिए आपको कुछ दे दूँगा। I asked him if he thought I would recover enough to be able to do the Kora. फिर मैंने उससे ये भी पूछा था कि डॉक्टर साहब क्या आपको लगता है कि मैं इन सारी चीज़ों से रिकवर हो जाऊंगा और क्या मैं इतना ठीक हो जाऊंगा कि मैं कोरा को कर लूंगा? कोरा समझ ही रहे होंगे, रिलीजियस जर्नी है,
यानी परिक्रमा की बात कर रहा है, किस कोरा की बात कर रहा है, माउंट कैलाश कोरा की बात कर रहा है। यो यस ही सेड यू विल बी फाइन, हाँ ठीक हो जाओ, कोई इशू नहीं, डरो मत। आई वॉकड आउट द मेडिकल कॉलेज क्लचिंग अ ब्राउन एनवेलप स्टफ्ड विद 15 स्क्रूज ऑफ पेपर्स, यानी 15 जो है पेपर की बनी हुई गोलियाँ थीं, पुड़ियाँ थीं, जिनको लेकर के मैं मेडिकल कॉलेज से बाहर आया। आई हैड अ 5-day कोर्स ऑफ तिब्बतन मेडिसिन विच आई स्टार्टेड राइट अवे, मेरे पास ना 5 दिन का तिब्बत की दवाओं का कोर्स था जिसको मैंने तुरंत ही क्या कर दिया था, शुरू कर दिया था। आई ओपनड एंड आफ्टर ब्रेकफास्ट पैकेज, मैंने जो है ब्रेकफास्ट के बाद वाले पैकेज को ओपन किया एंड फाउंड इट कंटेंट अ ब्राउन पाउडर, और उसमें क्या था, ब्राउन पाउडर भरा हुआ था दैट आई हैड टू टेक विद हॉट वाटर, जिसे मुझे गर्म पानी के साथ लेना था। इट टेस्टेड जस्ट लाइक सिनेमन, कैसा लग रहा था इसका स्वाद, सिनेमन जैसा लग रहा था, यानी दालचीनी के जैसा लग रहा था। द कंटेंट्स ऑफ द लंच टाइम एंड बेड टाइम पैकेजेस वर लेस ऑब्वियसली आइडेंटिफिएबल, यानी लंच टाइम के और बेड टाइम की जो दवाएँ थी ना वो ऑलमोस्ट सिमिलियर थी। बोथ कंटेंट स्मॉल स्फेरिकल ब्राउन पैलेट्स, यानी दोनों में क्या थी, छोटी छोटी सी गोल गोल सी गोलियाँ थीं। दे लुक्ड सस्पिशियसली लाइक सीप डंग, देखो हंसी आने वाली बात है और थोड़ा अजीब सा लगने वाली बात है, कैसी लग रही थी, सीप डंग के जैसी, यानी सीप की जो डंग होती है ना, गोबर होता है, उसके जैसी लग रही थी। बट ऑफ कोर्स आई टुक देम, लेकिन सच्चाई ये है कि मैंने उन्हें लिया था क्योंकि वो दवा थी और मैं बीमार था। दैट नाइट आफ्टर माई फर्स्ट फुल डेज कोर्स, यानी उस रात मेरे पहले एक दिन के पूरे कोर्स के बाद में आई स्लेप्ट वेरी साउंडली लाइक अ लॉग नॉट अ डेड मैन, यानी एक लट्ठे की तरह, पेड़ के तने की तरह सोया, ऐसा नहीं था कि मैं मरा हुआ आदमी की तरह सोया हूँ, ठीक है। अच्छा, वंस ही सॉ दैट आई वॉज गोइंग टू लिव, वंस ही सॉ दैट आई वॉज गोइंग टू लिव सैटन लेफ्ट मी टू रिटर्न टू लासा, यानी जब उसने ये देख लिया ना कि मैं बच जाऊँगा मरूंगा नहीं, तो सैटन मुझे छोड़ करके कहाँ चला गया, लासा के लिए चला गया। एज अ बुद्धिस्ट ही टोल्ड मी, यानी बुद्धिस्ट लोग जो बिलीव करते हैं कि डेथ इज द गेटवे ऑफ न्यू लाइफ, सो दे डू नॉट केयर, दे डू नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, वो डरते ही नहीं है, इसीलिए करा। एज अ बुद्धिस्ट ही टोल्ड मी ही न्यू दैट इट डोंट रियली मैटर इफ आई पास्ड अवे, यानी इस बात का उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर वो मर जाता है एक बुद्धिस्ट के रूप में अगर देखा जाए तो। बट ही थॉट इट वुड बी बैड फॉर बिजनेस, लेकिन बिजनेस के लिए ही बुरा हो सकता था। क्यों बुरा हो सकता था, क्योंकि हो सकता है कि आगे कोई भी टूरिस्ट उसके साथ में जाना पसंद नहीं करता कि यार ये तो केयर ही नहीं करता, क्योंकि बुद्धिस्ट लोग मौत से नहीं डरते और वो सोचते हैं कि भाई मौत तो दूसरा जीवन पाने का एक तरीका मात्र है। अच्छा, डार्सन डिडंट लुक सो हॉरिबल आफ्टर अ गुड नाइट स्लीप, यानी एक रात अच्छी नींद लेने के बाद में अब डार्सन इतना हॉरिबल नहीं लग रहा था। इट वॉज स्टिल डस्टी पार्शियली डरलिफ्ट एंड पंक्चुएटेड बाई हीप्स ऑफ रबल एंड रिफ्यूज, यानी कैसा था, डस्टी था, पार्शियली डरलिफ्ट एंड पंक्चुएटेड बाई हीप्स ऑफ रबल एंड रिफ्यूज, यानी गंदगी और कचरे के ढेर लगे हुए थे जगह जगह पर, कहीं कहीं पर। बट द सन शोन ब्रिलियंटली इन अ क्लियर ब्लू स्काई, लेकिन जो है सूर्य जो है ब्लू स्काई में चमचमा रहा था। एंड द आउटलुक अक्रॉस द प्लेन टू द साउथ गेव मी अ विजन ऑफ द हिमालयाज, और मुझे वहाँ से क्या दिखाई दे रहा था, हिमालय पर्वत दिख रहा था कमांडेड बाई अ ह्यूज स्नो केप्ड माउंटेन, जिसमें क्या थे, बहुत सारे बर्फाच्छादित पर्वत भी थे, गुरला मांधा था विद अ जस्ट विस्प ऑफ क्लाउड सस्पेंडेड ओवर इट्स समिट, यानी अपनी चोटी पर दिखाई दे रहा था, विद अ विस्प ऑफ क्लाउड सस्पेंडेड ओवर इट्स समिट, यानी गुरला मांधाता की चोटी पर बर्फ के क्या दिख रहे थे, सॉरी विस्प ऑफ क्लाउड दिख रहे थे, यानी बादलों के कुछ अंश दिख रहे थे। अच्छा, द टाउन हैड अ कपल ऑफ रूडिमेंट्री जनरल स्टोर्स, यानी कुछ जनरल स्टोर्स भी थी डार्सन के अंदर, सेलिंग चाइनीज सिगरेट्स, क्या क्या बेच रहे थे, चाइनीज सिगरेट बेच रहे थे, सोप एंड अदर बेसिक प्रोविजंस एज वेल एज द यूजुअल स्ट्रिंग्स ऑफ प्रेयर फ्लैग्स, यानी जो परिक्रमा के झंडे होते हैं ना मंदिर पर लगाए जाने उनको बेच रहे थे। इन फ्रंट ऑफ वन मैन गैदर्ड इन द आफ्टरनून फॉर अ गेम ऑफ पूल, इन फ्रंट ऑफ वन, यानी एक दुकान के सामने जो है आफ्टरनून के टाइम पर कुछ आदमियों ने जो है इकट्ठे होकर क्या खेल रहे थे, गेम ऑफ पूल खेल रहे थे। द बैटर्ड टेबल लुकिंग सुप्रीमली इनकंग्रियस इन द ओपन एयर, टूटी सी टेबल वो बड़ी अजीब सी लग रही थी खुले हुए वातावरण में। वाइल नियर बाई वीमन वॉश्ड देयर हेयर, यानी नियर बाई नज़दीकी जो उसके कैफे के महिलाएँ क्या कर रही थी, होटल कह लो, कैफे कह लो या रेस्टोरेंट कह लो, महिला अपने बड़े बड़े बालों को धो रही थी ठंडे पानी में। ऑफ नैरो ब्रुक दैट बबल्ड डाउन पास्ट माई गेस्ट हाउस, जो बिल्कुल नैरेटर के गेस्ट हाउस से होकर के बह रहा था, यानी झरना कह सकते हैं इसको, नाला नहीं कह सकते आप, ठीक है। डार्सन फैटल रैक्स एंड अनहरीड बट,
डार्सन में थोड़ा रिलैक्स हो गया था और अब जल्दीबाजी भी नहीं थी, बट फॉर मी इट केम विद अ सिग्निफिकेंट ड्रॉबैक। लेकिन मेरे ये एक बड़े ड्रॉबैक की तरह आया था, देयर वर नो पिलग्रिम्स, क्योंकि कोई पिलग्रिम्स नहीं थे। अच्छा, सिंस इट कैलाश कोहरा है या सीजनल कोहरा, तो लोग सीजन में ही आते हैं, हरदम नहीं आते। नैरेटर लेकिन सीजन से पहले पहुंच चुका था, इसीलिए वहां पर कोई पिलग्रिम्स नहीं थे। पिलग्रिम्स का मतलब पर्सन हु गोज टू परसू रिलीजियस जर्नी, उन्हें कहते हैं पिलग्रिम्स यानी तीर्थयात्री। अच्छा, आई हैड बीन टोल्ड दैट एट द हाइट ऑफ द पिलग्रिमेज सीजन द टाउन वॉज बसलिंग विद विजिटर्स, भर जाता है विजिटर से। मैनी ब्रॉड देयर ओन अकोमोडेशन एनलार्जिंग द सेटलमेंट्स अराउंड इट्स एजेस एंड दे सेट अप देयर टेंट्स विच पाइल्ड डाउन ऑन टू द प्लेन। यानी बहुत सारे लोग तो अपना खुद का टेंट लगाते हैं, लगा करके उसी में रहने लग जाते हैं और रह के आराम से अपने टेंट में ही वो क्या कर लेते, परिक्रमा कर देते हैं। अच्छा, आई हैड टाइम्ड माई अराइवल फॉर द बिगनिंग ऑफ द सीजन, यानी टाइम्ड माई अराइवल फॉर द बिगनिंग ऑफ द सीजन बट इट सीम्ड आई वॉज टू अर्ली। मैंने जो टाइम तो लगाया था, सही सोचा तो ठीक था कि मैं ना सीजन के टाइम पर ही पहुँचूंगा, लेकिन मैं जो है उससे बहुत पहले आ गया था। वन आफ्टरनून आई सैट पॉन्डरिंग माई ऑप्शंस ओवर अ ग्लास ऑफ टी इन डार्सन्स ओनली कैफे। एक बार क्या हुआ था कि मैं डार्सन के एकमात्र कॉफे में चाय पी रहा था और प्लान कर रहा था। आफ्टर लिटल कंसिडरेशन आई कंक्लूडेड दे वर सीवियरली लिमिटेड, बहुत ज़्यादा लिमिटेड टूरिस्ट आते थे क्लियरली। आई हैडन्ट मेड मच प्रोग्रेस विद माई सेल्फ हेल्प प्रोग्राम ऑन पॉजिटिव थिंकिंग, यानी पॉजिटिव थिंकिंग पर मैं ज़्यादा काम नहीं कर पाया था। इन माई डिफेंस इट हैडन्ट बीन ईजी विद ऑल माई स्लीपिंग डिफ़िकल्टीज, यानी मैं अगर अपने डिफेंस की बात करूँ तो मेरी स्लीपिंग डिफ़िकल्टीज को लेकर के ये कभी भी ईजी नहीं रहा था। बट हाउ एवर आई लुक डैट इट, लेकिन फिर भी मैंने इस तरफ विचार किया था, आई कुड ओनली वेट, मैं क्या कर सकता था, मैं सिर्फ और सिर्फ वेट कर सकता था। क्या कर सकता था, वेट ही कर सकता था। द पिलग्रिमेज ट्रेल वॉज वेल ट्रोडन, यानी जो रास्ते थे ना पगडंडिया कह सकते हैं, वेल ट्रोडन थी। बट आई डिडेंट फैंसी डूइंग इट अलोन, लेकिन मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि मैं ये कोहरा अकेला कर लूँगा। अच्छा, द कोहरा वॉज सीजनल बिकॉज पार्ट्स ऑफ द रूट वर लाइएबल टू ब्लॉकेज बाई स्नो, ये कोहरा जो है सीजनेबल है क्योंकि जिसके जो बीच बीच के जो रास्ते हैं ना किससे ब्लॉक हो जाते हैं, स्नो से ब्लॉक हो जाते हैं। आई हैड नो आइडिया वेदर और नॉट द स्नो हैड क्लियर, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि स्नो होगी या नहीं होगी। बट आई वॉज एंट एनकरेज्ड बाई द चंक्स ऑफ डर्टी आइस, लेकिन मुझे एनकरेज भी नहीं किया गया था जो गंदी सी आइस के जो टुकड़े थे उन्होंने उनकी वजह से। दैट स्टिल क्लंग टू द बैंक्स ऑफ डार्सन्स ब्रुक, जो अभी भी जो डार्सन के बगल से जो झरना सा नाला सा बह रहा था ना, ये स्वच्छ पानी का नाला है, छोटी जलधारा है, नाला नहीं कह सकता मैं, गलती से नाला कह गया। उसके बगल में अभी भी क्या थे, बर्फ़ के टुकड़े हुए थे, तो बर्फ़ के टुकड़ों को देख करके मुझे बिल्कुल भी एनकरेजमेंट नहीं हो रहा था कि मैं कोहरा को कर पाऊंगा या नहीं। अच्छा, सिंस सेटन हैड लेफ्ट वो तो जा ही चुका था, आई डेंट कम अक्रॉस एनीवन इन डार्सन विद इनफ इंग्लिश, यानी डार्सन में मुझे कोई ऐसा बंदा नहीं मिला था जिसे इनफ इंग्लिश आती हो, मेरे क्वेश्चंस का आंसर दे सके। अच्छा, अंटिल दैट इज आई मेट नोरबू, तब तक मेरी मुलाकात किससे हो चुकी थी, नोरबू से। द कैफे वो स्मॉल डार्क एंड कैवर्नस, छोटा था, अंधेरा सा था, गुफानुमा था, विद अ लॉन्ग मेटल स्टोव दैट रन डाउन द मिडल, जो बीच तक जाता था। द वॉल्स एंड सीलिंग वर रेस्ट, वॉल्स और सीलिंग कैसी थी उसकी, रिद थी इन सीट ऑफ मल्टी कलर्ड प्लास्टिक, यानी प्लास्टिक की जो सीट आती ना उससे जो है वो क्या हो रखा था उसके ऊपर, यानी उसको कवर कर रखा था प्लास्टिक की सीट से। अब द स्ट्रिप्ड वैरायटी, यानी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की उसमें वैरायटी लगी हुई थी। अच्छा, ब्रॉड ब्लू आई रेड एंड वाइट थी, दैट इज मेड इन टू स्टाउट, यानी मजबूती से बनी हुई थी। वॉल्यूमिनस शॉपिंग बैग्स सोल्ड ऑल ओवर चाइना, यानी जो है उसी से बने हुए शॉपिंग बैग्स जो ऑल ओवर चाइना बेचे जाते हैं एंड इन मैनी अदर कंट्रीज ऑफ एशिया एज वेल एज इन यूरोप, यूरोप में भी बेचे जाते हैं इस तरह की सीट के बने हुए बैग्स। एज सच प्लास्टिक मस्ट रेट एज वन ऑफ चाइनाज मोस्ट सक्सेसफुल एक्सपोर्ट्स अलॉन्ग द सिल्क रोड टूडे, यानी अगर आज की बात करें तो सिल्क रोड से सिल्क के साथ साथ में प्लास्टिक भी एक्सपोर्ट होती है। द कैफे हैड अ सिंगल विंडो बिसाइड विच आई हैड टेकन अ पोजिशन सो दैट आई कुड सी द पेजेस ऑफ माई नोटबुक, एक ही विंडो थी तो विंडो के पास जाकर के बैठ गया ताकि उसे उसके बुक के अंदर के जो पेजेस में जो कंटेंट लिखा हुआ है, टेक्स्ट लिखा हुआ है, वो उसे क्या हो जाए, दिखाई देता रहे। आई हैड ऑल्सो ब्रॉट अ नोवल विद मी टू हेल्प पास द टाइम। अच्छा, नोरबू सॉ माई बुक वेन ही केम इन एंड आस्ट विद द जेस्टर इफ ही कुड सिट अपोजिट मी एंड एट माई
एट माई रिकेटी टेबल, यानी मेरी रिकेटी एंड टूटी सी टेबल के सामने उसने बैठने के लिए परमिशन ली मुझसे। आई यू इंग्लिश, ही इंक्वायर्ड आफ्टर ही हैड ऑर्डर्ड टी। आई टोल्ड देम आई वॉच, मैंने कहा मैं अंग्रेज हूँ। एंड वी स्ट्रक अप अ कन्वर्सेशन, यानी दोनों का कन्वर्सेशन शुरू हो गया। अच्छा, आई डिडंट थिंक ही वॉच फ्रॉम दोज पार्ट्स बिकॉज ही वॉच वियरिंग अ विंड चीटर एंड मेटल रिम्ड स्पेक्टेकल्स ऑफ अ वेस्टर्न स्टाइल, वेस्टर्न स्टाइल का स्पेक्टेकल पहने हुए था। ही वॉज अ तिब्बतन ही टोल्ड मी बट वर्कड इन बीजिंग एट द चाइनीज अकेडमी ऑफ सोशल साइंस। अंडरलाइन कर लेना इसको, यानी कहाँ पर काम करता था, चाइनीज अकेडमी ऑफ सोशल साइंस में काम करता था। इन द इंस्टीट्यूट ऑफ एथनिक लिटरेचर, यानी जो उनका एथनिक लिटरेचर का एक इंस्टीट्यूट था उसमें काम करता। आई अज्यूम्ड ही वॉज ऑन सम सॉर्ट ऑफ फील्ड वर्क, मैं तो ये समझ रहा था कि वो अपना कोई फील्ड वर्क करने के लिए आया हुआ था, ठीक है, यानी कि वो एथनिक लिटरेचर के लिए काम करता था, पेपर्स वगैरह लिख रहा था। यस एंड नो, हाँ और ना। ही सेड आई हैव कम टू डू द कोरा, मैं भी कोरा करने के लिए आया। माई हार्ट जम्प्ड, मैं खुशी से झूम उठा, उछल गया। नोरू हैड बीन राइटिंग अकेडमिक पेपर्स अबाउट द कैलाश कोरा एंड इट्स इंपोर्टेंस, उसके कैलाश कोरा के बारे में कुछ लिख रहा था और उसके महत्व के बारे में लिख रहा था। इन वेरियस वर्क्स ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर फॉर मैनी ईयर्स, कई वर्षों से लिख रहा था। ही टोल्ड मी बट ही हैडंट नेवर एक्चुअली डन इट हिमसेल्फ, लेकिन उसने खुद ने जो है कभी भी नहीं किया था। वेन द टाइम केम फॉर मी टू टेल हिम वॉट ब्रॉट मी टू डार्चन, हिज आइज लिट अप, यानी उसकी आंखें चमक गई जैसे ही मैंने अपने मिशन के बारे में बताया। वी कुड बी अ टीम, टीम हो सकते हैं। ही सेड एक्साइटेडली टू अकेडमिक्स हू हैव एस्केप्ड फ्रॉम द लाइब्रेरी, ऐसा लग रहा था कि दो अकेडमिक्स जो एक ही लाइब्रेरी से आए हों। परहैप्स माई पॉजिटिव थिंकिंग स्ट्रैटेजी वॉज वर्किंग आफ्टर ऑल, कुल मिलाकर के उसकी जो पॉजिटिव थिंकिंग स्ट्रैटेजी थी कामगार साबित हुई थी। अच्छा, माई इनफाइनल रिलीफ एट मीटिंग नॉर्बू, नॉर्बू से मिलने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा क्या मिला, रिलीफ मिला था, यानी रिलैक्स मिला था। Who was also staying in the guest house was tempered by the realization that he was almost as ill-equipped as I was for the pilgrimage. यानि मेरे पास भी कोई सामान नहीं था और उसके पास भी कोई सामान नहीं था। He kept telling me how fat was he and how hard it was going to be. वो मुझे बता रहा था कि वो कितना मोटा था और उसके लिए कितना कठिन है कोरा करना, सारी चीज़ बता रहा था। Very high sir. He kept reminding me, मुझे बार बार बता रहा था। So tiresome to walk, बहुत थका हुआ हो जाता है चलना। He wasn't really a practicing Buddhist, वो कोई practicing Buddhist नहीं था। It transpired, but he had enthusiasm and was of course a Tibetan, लेकिन उसके अंदर जज्बा था और वाकई में वो एक तिब्बतन था, इसीलिए उसमें जज्बा था। अच्छा, although I had originally envisaged making the track, हालांकि मैंने जो पहले ही भांप लिया था मेकिंग द ट्रैक इन द कंपनी ऑफ डिवाउट बिलीवर्स, कि मैं जो श्रद्धालुओं के साथ में जाऊंगा। ऑन रिफ्लेक्शन आई डिसाइडेड दैट परहैप्स नोरबू वुड टर्न आउट टू बी द आइडियल कंपेनियन, यानी कि बाद में जो है रिफ्लेक्शन के टाइम पर उसे समझ आया था कि नोरबू एक अच्छा आइडियल कंपेनियन साबित हो सकता था। ही सजेस्टेड वी हायर सम याक्स टू कैरी आर लगेज, उसने ये भी सजेशन दिया था नोरबू ने कि हम जो कुछ याक को हायर कर लेंगे सामान को ले जाने के लिए। विच आई इंटरप्टेड एज अ गुड साइन, जिसके लिए मैंने बता दिया हाँ ये तो अच्छी बात है। एंड ही हैड नो इंटेंशन ऑफ प्रोस्टरेटिंग हिमसेल्फ, और उसका साष्टांग परिक्रमा देने का कोई भी इरादा नहीं था। प्रोस्टरेटिंग का मतलब था लेट करके परिक्रमा देना। ऑल द राउंड द माउंटेन, ठीक है, पर्वत के चारों ओर। नॉट पॉसिबल ही क्राइड कोलैप्सिंग अक्रॉस द टेबल इन हिस्टेरिकल लाफ्टर, यानी जोर से हंसते हुए उसने बोला कि सर साष्टांग परिक्रमा देना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इट वॉजंट हिज स्टाइल एंड एनी वे, ये कोई उसकी स्टाइल नहीं थी। एनी वे हिज टमी वॉज टू बिग, क्योंकि उसका टमी बहुत ज़्यादा बड़ा था इसीलिए वो साष्टांग परिक्रमा नहीं कर सकता था, यानी लेट के परिक्रमा नहीं कर सकता था। सो स्टूडेंट, योर चैप्टर इज ओवर। थैंक यू एंड बाय बाय बाय, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।